नमस्ते दोस्तों, मैं समीर गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के कुकिंग एपिसोड में बनाते हैं सर्दियों के लिए एक बहुत डिलीशियस मिक्स्ड वेज अचार। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम फूल गोभी मोटे टुकड़ों में कटी हुई, 250 ग्राम गाजर लंबे टुकड़ों में कटी हुई, एक मूली लंबे टुकड़ों में कटी हुई, एक शलगम लंबे टुकड़ों में कटा हुआ, दो हरी मिर्च लंबी कटी हुई, 250 मिलीलीटर सफ़ेद सिरका यानी वाइट विनेगर, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, एक बड़ा चम्मच पीली सरसों की दाल, एक बड़ा चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के लिए नमक और 500 मिलीलीटर सरसों का तेल। मिक्स वेज अचार बनाने के लिए सारी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर एक सूती कपड़े पर करीब एक घंटे के लिए फैलाकर छोड़ दीजिए ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। अब एक बर्तन में तेल गर्म कीजिए। जैसे ही ये धुआं देने लगे तुरंत गैस बंद कर दीजिए। अब ये तेल अपने आप ठंडा होने दीजिए। जब ये तेल ठंडा होता हुआ हल्का सा गुनगुना रह जाए तब इसमें सारी सब्जियाँ और सारे मसाले डालकर खूब अच्छी तरह मिला लीजिए और 10 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। फिर इसे एक मर्तबान में भर लीजिए। 3-4 दिन में बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी मिक्स वेज अचार बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसे 1-2 दिन धूप में भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को सब्सक्राइब कीजिए।